दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 साल से BTS कड़ी मेहनत करके आज दुनिया के वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बने हैं। और ये मेहनत सिर्फ 9 सालों की ही नहीं थी, क्योंकि जब से ही हर मेंबर ने बिग हिट को एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, उसी दिन से आज तक वो हमेशा मेहनत करते आए हैं एक ग्रुप की तरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली अपनी एक वीडियो में आकर BTS ने आर्मीज को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दी है, जिसको सुनने के बाद दुनिया भर की आर्मीज बहुत ही ज्यादा उदास है। तो दोस्तों, रिसेंटली ही BTS की 9th फेस्टा की वीडियो रिलीज हुई थी, जहां पर उन्होंने अपनी सारे फैंडम को यानी दुनिया भर की आर्मीज को इन्वाइट किया था, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें कर सके और आर्मीज को अपने प्लान्स बता सके। दोस्तों, इसी वीडियो में BTS ने रिवील करा है कि वो अब एक ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि BTS डिसबैंड होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। दोस्तों, BTS डिसबैंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग काम करेंगे। दोस्तों, BTS के मेंबर्स ने बताया कि पिछले 9 साल में वो हमेशा एक ग्रुप की तरह ही रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, तो उनकी थिंकिंग और उनकी पसंद काफी अलग हो गई है, जिसकी वजह से एक साथ काम करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने प्लान किया है कि वो कुछ वक्त तक अकेले काम करना पसंद करेंगे। दोस्तों, यही नहीं, बल्कि काफी सारे BTS मेंबर्स का ये भी कहना है कि एक ग्रुप की तरह वो एक मोटिव को लेकर चलते हैं, लेकिन पर्सनली वो दुनिया को बहुत ही सारी बातें बताना चाहते हैं, जो कि वो सिर्फ अपने म्यूजिक के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे वी का कहना था कि उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो BTS के मेंबर्स की तरह वो आर्मीज के साथ कभी शेयर नहीं कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आर्मीज उनको जाने, जो कि उनके स्टेज कैरेक्टर यानी वी से बहुत ही अलग है, यानी रियल तयोंग का नेचर। उसी तरह शुगा का भी कहना है और जंगकुक का भी मानना है कि बहुत ही सारी चीजें हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के म्यूजिक से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह BTS ने फाइनली अनाउंस किया है कि वो कुछ वक्त तक इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि BTS के जो मिक्स टेप रिलीज होते थे, अब वो नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह उनकी सोलो एल्बम्स रिलीज होंगी। और दोस्तों, ये ऑफिशियल एल्बम होंगी और इसकी स्टार्ट सबसे पहले J-Hope से करी जाएगी। तो दोस्तों, BTS ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सबसे पहले J-Hope की ऑफिशियल एल्बम आएगी, उसके बाद हर एक मेंबर की रिलीज होगी, जिसमें उनके खुद के सॉन्ग्स होंगे, उनकी खुद की चीजें होंगी जो वो दुनिया से शेयर करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो BTS के मेंबर्स आर्मी से किस तरह मिलेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि वो पर्सनली आर्मी से बात करने आते रहेंगे, इसी तरह अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी लाइफ की चीजें आर्मीज के साथ शेयर करेंगे, और काफी सारी नई साइट्स उनकी आर्मीज को देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ BTS के मेंबर्स की तरह नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की तरह भी उनके सामने आएंगे। लेकिन जंगकुक ने प्रॉमिस किया है कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे, जब वो एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। उस समय BTS के मेंबर ज्यादा मैच्योर होंगे और उनको अपना मोटिव भी पता होगा, क्योंकि दोस्तों, BTS के लीडर यानी RM का मानना है कि पिछले 9 सालों से इस तरह काम करते करते BTS धीरे धीरे अपना मेन मोटिव भूल गए हैं, और अब जब भी वो गाने बनाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि आखिर वो किस चीज के लिए गाने बना रहे हैं, और इसीलिए वो एक ग्रुप से ब्रेक लेकर इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, ताकि सभी मेंबर्स अपना अपना फोकस वापस ढूंढ सके। और उनका मानना है कि इस तरह से उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे जरूर बताइए कि इस न्यूज को सुनने के बाद आपका क्या मानना है। जैसा कि BTS मानते हैं कि 90% उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप भी उन्हें उनकी इंडिविजुअल जर्नी में सपोर्ट करने वाले हैं या फिर नहीं? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।